हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम आज नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस की, यानी कि जैव प्रक्रम की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर समझना है कि चैप्टर क्या है। आपने कहा जैव प्रक्रम, तो क्या होते हैं जैव प्रक्रम? देखिए, जब भी शब्द आया आपका जैव, तो आपने बोला इसका मतलब क्या होगा? लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने बोला कि जैव का मतलब क्या है? ये संबंधित है लाइफ से, यानी कि जीवन से। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन से संबंधित जो भी प्रक्रम आपके होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। या फिर आपने क्या बोला? वह प्रक्रम जो हमें जीवन के विषय में बताते हैं। यानी कि आपने कहा कोई लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है, वो कैसे पता चलेगा? आपने बोला कि उनमें कुछ प्रक्रम पाए जा रहे होंगे, उनके आधार पर हम बोलेंगे ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं हमारे, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आपने बोला कि जैव प्रक्रम ठीक है, हमें जीवन के विषय में बताते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्रक्रम होंगे? हमने बोला सबसे पहले आपके पास क्या आता है? सबसे पहले आपने बात किसकी की है? पोषण की। पोषण की आपने बात की है। क्या होता है पोषण? अगर मैं आपसे पूछूं पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की विधि, वह भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। यानी कि पोषण में आप क्या चीजें पढ़ते हैं? आपने कहा तो हम देखते हैं कि भोजन ग्रहण करने की विधि कौन सी है। जब आप छोटी क्लासेस में थे, सिक्स सेवन्थ में थे, तब आपके पास एक चैप्टर आया था जिसमें आपने बोला था कि जीवों के नाम दिए गए थे, ये जीव किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और किस विधि से करते हैं। किस विधि का क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने कहा कि कुछ चबा करके करते हैं, कुछ निगल करके करते हैं, कुछ क्या करते हैं? सब करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग यहाँ पर होती है। प्लस आपने कहा भोजन ग्रहण करने की विधि, वो भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त आपको हुई है, उसके उपयोग आपके शरीर के द्वारा करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे आप क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब पोषण में जब आप पोषण की बात करेंगे, तो आप पोषण में क्या करेंगे? दोनों चीजों की बात करेंगे। आप पोषण आपने पढ़ा, आप पोषण के प्रकार भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे पोषण के आपके पास क्या आते हैं? प्रकार आते हैं। इजी है, हर चैप्टर में आपके ये टॉपिक आ ही जाता है। आपने कहा पोषण के प्रकार में, आपने क्या बोला कि पोषण के क्या होंगे आपके पास? दो प्रकार होंगे। पोषण के आपके पास दो प्रकार होंगे। एक तो आपने बोला कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पोषण का पहला प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहला प्रकार तो ये हो गया। और इसका जो दूसरा प्रकार है, आपने बोला वह प्रक्रिया जिसमें, या वो प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी पादप
या जंतु पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो क्या बात की आपने, आपने बोला जैव प्रकरण में सबसे पहले हम जो जिस जैव प्रकरण की बात करेंगे वो है आपके पास पोषण। ठीक है, पोषण की सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी है कि पोषण किसे कहते हैं, फिर आपने बोला कि पोषण के प्रकार हम पढ़ेंगे, पढ़े हैं अपने चैप्टर में। पोषण के प्रकार में आपने बोला एक तो वो प्रकार था जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, और दूसरा वो प्रकार था जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे पादप पर निर्भर थे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। पहला जैव प्रकरण समझ गए आप लोग। अब देखिए, हमने बोला कि पोषण यहाँ पर जैव प्रकरण है, क्यों जैव प्रकरण है हमें यही समझना है। ठीक है, प्रोसेस हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर जैव प्रकरण क्यों है। अपने कहा जो जीवित होता है, जो लिविंग होगा, उसे पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एक पत्थर है और वो नॉन लिविंग है, तो क्या पत्थर यहाँ पर भोजन ग्रहण करेगा? आपने कहा नहीं, भोजन ग्रहण नहीं करता है। आपने नहीं सुना होगा या नहीं देखा है, आपने बोला कि कोई भी जो जीव है, जो कि जिसे कि पोषण की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जीव को किसकी आवश्यकता है? क्योंकि जीव को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए जीव को? ऊर्जा चाहिए। अब आपने बोला ऊर्जा क्यों चाहिए? बहुत सारे काम होते हैं, आपने कहा हर एक काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। आपने कहा आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रहा है, क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो दोनों चीज हो रही है उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। अब आपके पास क्या आता है? ग्रोथ आता है, एक शब्द आता है ग्रोथ। आपने बोला जो ग्रोथ होता है, देखिए डेवलपमेंट तो आप समझते हैं, विकास मतलब क्या होता है? आपका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे है, मेंटल ग्रोथ है आपकी, ठीक है, आपकी सोशल ग्रोथ यहाँ पर आती है, इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ आप कहते हैं, सारी ग्रोथ आपके यहाँ पे क्या है? इंक्लूड होती है। तो उन सबको आप क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, अब आपने बोला जो ग्रोथ होती है यहाँ पर, क्या जो ग्रोथ है वो लिविंग का ही कैरेक्टर है? ठीक है, आपको पूछा जाता है कि क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर? एक बार सोचिए कि जो जीवित व्यक्ति होते हैं या जो जीवित प्राणी होते हैं उन्हीं में वृद्धि पाई जाती है, या फिर जो नॉन लिविंग होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, या फिर उनमें भी वृद्धि पाई जाती है? एक बार सोचिए और अपने आंसर को बताइए मुझे। चलिए, तो मैंने आपसे पूछा था ग्रोथ के बारे में कि जो ग्रोथ है यहाँ पर वो किस प्रकार के, क्या वो सिर्फ लिविंग का ही कैरेक्टर या नॉन लिविंग का ही कैरेक्टर? आपने देखा, आपने बोला कि जो ग्रोथ होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है इंटरनल ग्रोथ और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सटर्नल ग्रोथ की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ की। कैसे? आपने बोला ये क्या था? एक स्टोन था, एक पत्थर है। ठीक है, अब इस पत्थर में टाइम के साथ साथ क्या हुआ? धूल मिट्टी और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे वो इस पे क्या हो गए हैं? अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, बहुत टाइम की बात है। और आपने बोला ये जो पत्थर है ये इस प्रकार से इतना बड़ा आपके पास आ गया, क्या हुआ? ग्रोथ हुई यहाँ पर। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? शारीरिक जो संरचना है, आपका जो शरीर का वेट है या फिर आपकी जो हाइट है, उसमें वृद्धि होना, ये आपने क्या कहा था? ग्रोथ कहा था। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आपका वेट, आपकी लेंथ में इंक्रीमेंट अगर हुआ है तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। आपने बोला किस प्रकार की ग्रोथ हुई? एक्सटर्नल ग्रोथ हुई, ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनली यानी कि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन आया हो। परिवर्तन नहीं आया है, परिवर्तन आंतरिक रूप से नहीं आया है बल्कि बाहरी रूप से आया है। ठीक है, लेकिन कैसा परिवर्तन है? आपने कहा आप इसे क्या कर सकते हैं? फिर से इसी फॉर्म में वापस लेके आ सकते हैं। आपने धूल मिट्टी और जो पत्थर उस पे चिपके हुए थे आपने उसे हटा लिया। ठीक है, उसके अलग अलग वेज हो सकते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर? आपने कहा जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल हुई, ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनली कोई परिवर्तन आए हैं। और ऐसे परिवर्तन नहीं आए हैं जो स्टेबल हों। ये स्टेबल परिवर्तन आपके पास आए हैं? नहीं, ये स्टेबल परिवर्तन नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनल ग्रोथ की, आंतरिक जो आपकी वृद्धि होती है, आपने बोला कोई न्यू बॉर्न था, बहुत छोटा था। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी वो बड़ा होता चला गया और उसकी क्या है? हाइट भी बढ़ने लगी है। ठीक है, उसकी हाइट के साथ साथ उसका वेट भी बढ़ने लगा है। अब आपने बोला ये हाइट बढ़ा, ये वेट बढ़ा, ये कैसे बढ़ा? क्योंकि इंटरनली क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। आपने कहा कि जो उसके हाथों का साइज था वो क्या हुआ? बड़ा है। कैसे बढ़ा?
क्योंकि इंटरनली क्या हुए हैं, चेंजेस आए हैं, और ऐसे ही चेंजेस हैं जो परमानेंट, ऐसा नहीं होगा एक बार जो वृद्धि है वो हो गई है उसके बाद क्या है वृद्धि फिर से घटने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वृद्धावस्था में होता है कि वहां पर जो शरीर है वो झुकने लगता है, वो एक अलग चेंजेस है, लेकिन हमने बोला कि इंटरनल ग्रोथ जब भी होगी वो परमानेंट चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ कैसे हो रही है, कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, कैसे, कोशिका विभाजन के द्वारा। अब आपसे सेम क्वेश्चन में करूं कि क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर या नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, आपने बोला डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस ग्रोथ के बारे में पूछा गया। आपने कहा अगर हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, एक पत्थर की भी एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें, अगर आपके पास इंटरनल ग्रोथ एक स्पेसिफिक वर्ड आता है, आपने कहा इंटरनल ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो प्रक्रम आपने देखा वो कौन सा देखा, पोषण देखा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, पोषण है पोषण। अब आपने बोला जो पोषण है, पोषण के तरीके के आधार पर हमने दो प्रकार की बात की थी, जो स्वयं अपना भोजन बना पा रहे थे जिसे आपने क्या बोला, स्वपोषी बोला। ठीक है, अब स्वपोषी का क्या मतलब है, और पर दूसरा हमने क्या बोला, परपोषी बोला, दूसरा आपके पास क्या आएगा, परपोषी आएगा। अब परपोषी का जो एग्जाम्पल आपके पास है, आपने बोला मनुष्य, आपने क्या बोला, मनुष्य बोला, और स्वपोषी का जो एग्जाम्पल आपके पास है वो आपने बोला पादप। क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि अपने भोजन के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त की जा रही है, तो आपने बोला कि जो पादप है उसे क्या है, भोजन की आवश्यकता है। कच्ची सामग्री क्या क्या आपने पढ़ी है, आपने बोला पादप है जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, CO2 जो इन्वायरमेंट से लेगा, H2O ये भी इन्वायरमेंट से लेगा, यहाँ पे क्या है हरित लवक है जो इसके पास ऑलरेडी है, और क्या है सूर्य का प्रकाश। इसका मतलब हमने क्या एक लाइन बोली थी, स्वपोषी वो होंगे जो अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी लिविंग पर क्या है डिपेंड नहीं है। अब आपने बोला ये चारों चीजें किसी लिविंग से ली जा रही है, नहीं ली जा रही है, ना ही किसी पादप से ली जा रही है, ना ही किसी एनिमल से ली जा रही है, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हें हमने क्या बोला, स्वपोषी बोला। ठीक है, स्वपोषी हो गए। अब परपोषी के बारे में अगर हम बात करें, हमने कहा मनुष्य, तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी बेसिक से नीड हो, उसमें आपने क्या क्या चीज पढ़ी थी, आपने कहा था एक तो ऑक्सीजन है, ठीक है, दूसरा क्या है H2O यानी कि वॉटर है, और तीसरा क्या है फूड है, तीसरा क्या है फूड है। अब आपने बोला ये तीनों चीजें आपको कहाँ से मिल रही है, सबसे पहले ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है आपको वो कहाँ से मिलेगी, मैं बोला पादप से मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। ठीक है, कहाँ से मिल रही है, प्लांट से, पादप से। तो आपने बोला कि आप ऑक्सीजन के लिए किस पे निर्भर है, पादपों पर निर्भर है, लेकिन आपने बोला जल, तो जब आप जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कि प्लांट्स का उसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, और तीसरा फूड, आपने कहा कि जो मुख्य स्रोत है आपके भोजन का, जो मेन सोर्स है, जो क्या होगा मुख्य स्रोत होगा वो क्या है, हमारा प्लांट्स है। ठीक है, यानी कि आप अपने भोजन के लिए क्या है डायरेक्टली किस पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे, क्योंकि आपका जो पोषण है वो कोई और यहाँ पर कर रहा है, पहली लाइफ प्रोसेस हो गई है। अब पहली लाइफ प्रोसेस में जब आपने पोषण पढ़ा तो आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, स्वपोषी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल होता है वो आपने देखा, प्रोसेस क्या होती है, इक्वेशन क्या आपके पास आती है ये आपने यहाँ पर देखा है, क्या देखा, इक्वेशन भी आपने यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे परपोषी पोषण के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के पोषण होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन, आप यहाँ पर पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। ठीक है, और डाइजेशन में आप क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन में आपने क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, और पाचन तंत्र में आप पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र किस प्रकार से हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास हर बार आता है। अभी आपने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं और उसमें आपने कहा कि पाचन से संबंधित क्वेश्चन आपके पास आए हैं, सबसे ज्यादा क्या आया है कि पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए आप लोग।
सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपके पास सेकेंड प्रोसेस आती है उसमें आप बात करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, पोषण आपके पास आ गया है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट जो आपके पास लाइव प्रोसेस या जैव प्रक्रम आता है उसमें हम बात करेंगे श्वसन की या रेस्पिरेशन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सिंपल से प्रोसेस है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, एक बार आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपने बोला कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कोई भी सेल लगा लीजिए इस सेल में है, आपने कहा रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है आपकी वो सेल के अंदर आ रही है और सेल के अंदर जो CO2 है वो सेल से बाहर जा रही है। ठीक है, ये तो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन था, लेकिन हमने बोला कि रेस्पिरेशन में हम यही प्रोसेस कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और CO2 को आप एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आप श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में आप बात करेंगे और श्वसन किस प्रकार से होता है उस पूरी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से होता है, सर्कुलेशन किस प्रकार से हो रहा है, जिसमें आप क्या क्या बात करेंगे, आप ब्लड की बात करेंगे, यहाँ पे आप बात करेंगे ब्लड की और आप बात करेंगे अपनी हार्ट की, कि आपका हार्ट जो है उसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से हो रही है। तो रेस्पिरेशन और आपके हार्ट की फंक्शनिंग दोनों क्या करते हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन में आपका जो मेन काम होता है वो ये है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, आपके ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना, और आपका जो हार्ट है उसका फंक्शन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। ठीक है, क्लियर है इतनी बार। तो अभी तक आपने क्या समझा कि लाइव प्रोसेसेस के आपके कुछ एग्जांपल आए हैं, उनमें से क्या क्या है, आपने पोषण की बात की है, श्वसन की बात की है, सर्कुलेशन की बात की है, रिप्रोडक्शन भी आता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है आपने कहा रिप्रोडक्शन है। जब आप रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो दोनों में आप देखेंगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब देखिए सारी जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, आप कंपेयर, ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको किसी पत्थर में, किसी मेज में, किसी कुर्सी में दिखाई दे रही है या किसी बिल्डिंग में दिखाई देती है कि पोषण हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया, आपने कहा नहीं। तो जिनमें ये सारी प्रोसेस पाई जा रही हैं, आप क्या कहते हैं, उन्हें लिविंग कहते हैं, और इन प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैव प्रक्रम आप इन्हें कहते हैं। क्लियर है इतनी बात की लाइव प्रोसेस किसे कहते हैं। आपने एक समरी भी देख ली चैप्टर में, आपको क्या क्या चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, अब क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि हम करते हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है और इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है। आपके पास ऑप्शन आए हैं फूड वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्यूडोपोडिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए थोड़ा सा अमीबा के बारे में। अमीबा जो है क्या है, जलीय जीव है, ठीक है, एक्वेटिक है। दूसरा आपने कहा एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, यूनिसेलुलर है। आपने बोला इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, आपने कहा बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है, आपने बोला इनमें बाइनरी फिजन के से क्या होता है, प्रजनन करते हैं। तो बाइनरी फिजन क्या है, आपने बोला बाइनरी फिजन है अलैंगिक जनन का प्रकार, ठीक है, क्लियर है। अब आपने बोला शेप किस प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब आपने बोला कि भोजन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, जब आपने पढ़ा था एक कोशिकीय के जीवों में पाचन, जब हमने पढ़ा था, क्या आपके पास आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए, फूड वैक्यूल, कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। अब एक और चीज यहाँ पर आई, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, देखिए ये अमीबा है, अब इस अमीबा को क्या करना है, अपने भोजन को ग्रहण करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका भोजन क्या है, ये है,
इसका भोजन ये है, तो इसे क्या करना है, गति करनी है। तो जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है। अब हो क्या रहा है, ये जो दोनों साइडें हैं ये भोजन किस प्रकार से कैप्चर कर रही हैं, और एट लास्ट में आपने क्या देखा, ये अमीबा है इस प्रकार से और ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर भोजन आ गया है। ये क्या है, फूड है, ठीक है, ये क्या है, फूड। अब ये वाले जो प्रोजेक्शन यहाँ पर निकले हैं आपने कहा सिंपल सी है, जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का था। जब भोजन वहां पर मिला तो जो अमीबा है वो भोजन को इस प्रकार से उसने कवर कर लिया। तो ये वाले जो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, स्यूडियो पोडिया कहते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में गति में मदद कर रहे हैं, और गति में मदद करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए एक बार अपने आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। आपको यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और चार ऑप्शन में आपको क्या अलग अलग यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं, जिसमें आपसे बोला गया कि मशरूम, ग्रीन प्लांट्स और अमीबा, सेकंड में बोला गया ईस्ट, मशरूम, रेड मोल्ड, तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा एंड कसकटा, और चौथा है कसकटा लीक एंड टैपॉम। आपको बोला गया कि हमने चार ऑप्शन दिए हैं, हर में आपको एक पेयर दिखाई दिया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि आपको वो वाला कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें जो जीव है वो क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ का जो फूड मटेरियल का जो ब्रेकडाउन है, जो अपघटन है, वो शरीर से बाहर हो जा रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, भोजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि ये कर क्या रहे हैं, भोजन का पाचन शरीर से बाहर कर दे रहे हैं। अब ऐसा कैसे होता है, आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पाचक रसों को क्या करते हैं, भोजन पे छिड़क लेते हैं, भोजन का पाचन हो जाता है और तब जाके भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके पास जो ऑप्शन है वो सही कौन सा होगा। एक बार पढ़िए, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास जो अलग अलग एग्जाम्पल आए हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, जैसे अमीबा हो गया, ग्रीन प्लांट्स आप जानते हैं कि पादप होते हैं, ठीक है, जैसे कि ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, जैसे कि पैरामिशियम है, अमीबा है, कसकटा है, जैसे कसकटा लिक और टैपॉर्म है। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे मशरूम कहाँ से बिलोंग करता है, अमीबा कहाँ से बिलोंग करता है, पैरामिशियम हो गया है, ठीक है, क्लियर है। एक बार अपने ऑप्शन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, और इसे चूज कीजिए। चलिए तो आपने बोला, जब हमने पढ़ा था फंगस के बारे में, फंजाई के बारे में, आपने क्या कहा था, ये क्या करते हैं कि जो भोजन का पाचन है शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और पाचक भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो फंगस है वो कहाँ कहाँ आया होगा, जैसे कि आपने कहा मशरूम, लेकिन बाकी ग्रीन प्लांट्स और अमीबा यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो ऑप्शन देखे, आपको आपको जो फंगस के एग्जाम्पल मिले हैं तीनों, वो कहाँ मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी में, ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, तीनों क्या है यहाँ पर, आपने बोला फंगस किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं। अब तीनों के आपको फंक्शन भी पता होने चाहिए, जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट आपके लिए बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल होता है, जो आपने किण्वन की विधि पढ़ी है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है ईस्ट के द्वारा होती है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं और डो को फुलाने का काम करते हैं। मशरूम आप सभी जानते हैं, आप खाने में इसका यूज करते हैं। ब्रेड मोल्ड क्या है, आपने कहा जो ब्रेड मोल्ड है वो आपके भोजन को दूषित करता है। तो जब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, तो उसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपके पास ये आता है। आपने कहा कि जहाँ दो कवक आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, और तीसरा जो कवक है वो आपके लिए क्या है, हानिकारक होता है, ठीक है। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आया। चलिए तो अपने आंसर को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसे एक बार देख लेते हैं। चलिए इजी क्वेश्चन आपके पास आया है, पूछा गया है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ अ फूड पाइप इज कॉल्ड। अब सबसे बोलो, पहले तो आपको ये पता मुझे फूड पाइप क्या है, यहाँ पे पाचन तंत्र की बात हो रही है, तो पाचन तंत्र की जब बात हुई तो आपने कहा इस प्रकार से आता है आपके पास पाचन तंत्र। ये क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। अब आपने बोला फूड पाइप जिसे आप भोजन नली कहते हैं, आपने कहा कि भोजन नली में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो भोजन नली का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको बताया गया है,
इस प्रकार से बताया गया है कि भोजन नली में यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर एक्सपेंड हो जा रही है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेंड हो जा रही है। इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन कौन कौन से हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, या डाइजेशन कहते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके लिए वक में है, ठीक है? आप लोग इसे घर से करके लेके आएंगे, तो एक बार देख लीजिए, पाचन तंत्र को आप पढ़ के आइए, क्योंकि पाचन तंत्र से बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आए हैं, आपने क्वेश्चन पेपर में भी देखा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।